डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हल्की सी बारिश होती नहीं कि शहर में डूबने जैसे हालात हो जाते हैं। सवाल उठता है क्यों? जवाब कई हैं, लेकिन एक यह भी कि जिन एजेंसियों पर ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने का दायित्व है, वे नौकरशाही व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। नौकरशाही इस कदर की जनता को क्या परेशानी हो रही है, इसे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। यहाँ बात हो रही है मेरठ के गंदे पानी की निकासी की। अबू नाला यूं तो शहर की जल निकासी के मामले में लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसकी हालत किसी कूड़ा घर से ज्यादा नहीं है। छावनी परिषद से मात्र 1 किलोमीटर की ही दूरी पर नाला पूरी तरह कबाड़ व गंदगी से अटा हुआ है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि लंबे अरसे से सफाई ना होने के कारण नाले में ऊंची ऊंची घास उग गई है। जलकुंभी ने गंदे पानी के प्रवाह को रोक दिया है। ऐसे में शहर के एक बड़े हिस्से में जलभराव की समस्या आम हो गई है। आज फर्स्ट बाइट टीवी की टीम ने काट का पुल स्थित अबू नाले का जायजा लिया। देखिए, नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ काट के पुल पर और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरठ के प्रमुख नालों में से एक बड़ा नाला, मेरठ का अबू नाला। जी हाँ, ये मेरठ के प्रमुख नालों में से आता है और ये मेरठ का सबसे बड़ा नाला माना जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये नाला कम कूड़े की जगह ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कूड़ा और सिर्फ घासें ही देखी जा सकती हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि जिस पर इनकी सफाई की जिम्मेदारी है छावनी बोर्ड, वो यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप खुद ही देख लीजिए छावनी बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही के यहाँ के क्या हालात हैं। जो बारिशें होती हैं, बरसात में जल भराव होता है, पूरे मेरठ में पानी भर जाता है और सब परेशान होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी बनती है, जब नालों में ही जगह नहीं होगी, सिर्फ कूड़ा और घासें ही होंगी, तो पानी नाले के सड़कों पर भरने की जगह और कहाँ जाएगा। सड़कों पर ही भरेगा, घरों में ही भरा जाएगा। ये छावनी बोर्ड की लापरवाही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv।